तो ये तो पूरा मतलब यहाँ पर तो पानी भर गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक हियर। अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं तो अर्ज करूंगा आप वो जरूर देखना, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट है। तो अभी का सिचुएशन क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने दिखाया करके कि कैसे हमारे यहाँ पे फ्लड वगैरह आया था, मेरे बिल्डिंग में पानी आ गया था पार्किंग वगैरह तक। आई एम सेफ, लाइक मेरे घर पे पानी नहीं आया फोर्थ फ्लोर पे, बट पार्किंग में मेरी एक्टिवा खड़ी थी तो वो पूरी तरह से डूब गई थी। अभी फिलहाल पानी निकल चुका है। वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बताई है, डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर लिंक आ रही होगी टॉप राइट कॉर्नर में। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम अभी देखने वाले हैं कि अपनी एक्टिवा का क्या हाल होगा। इस दिल बहुत दुख रहा है, डर भी रहा है कि क्या हाल हुआ रहेगा, कैसा नहीं क्या वगैरह, बट वो देखने के बाद ही अपने को पता चलेगा अभी कैसा क्या है करके। तो ठीक है, फिर अभी जाके देखते हैं कि क्या इम्प्रेशन है, क्या हाल है। अभी मैं सोच रहा हूँ उसको धो के निकालने का, और तो अभी चलो नीचे जाते हैं, धोते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशंस लेते हैं। ये देखो गाइस, लोगों ने गाड़ी ऊपर लाई थी, हाथ तक पानी आ गया था, ये वाली स्टेप्स तक। क्या हाल हुआ है। तो गाइस ये हाल है फिलहाल अपने गाड़ी का, खराब हो गई है बहुत, क्या ही बोले, यहाँ तक मिट्टी, पानी की लाइन आप देख सकते हो कहाँ तक। और यही ऐसे रेप्टाइल्स की मैं बात कर रहा था, मैकेनिक आने वाला इसलिए आना पड़ा। ये देखो गाड़ी का हाल गाइस, यहाँ पर अटक गई है कुछ घास, पूरी मिट्टी है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ कीड़े हैं ऊपर। अब तक पानी टपक रहा है, हाल बेहाल है। मतलब पीछे से देखे तो यहाँ पर थोड़े बहुत पत्ते अटके हुए हैं। दैट्स इट, देखते हैं अभी फटाफट धोते हैं। गाइस गाड़ी को चकमक धोया तो है अभी, पता नहीं लेकिन स्टार्ट करने का रिस्क लू या नहीं वो भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो हाल क्या है फिलहाल गाड़ी का। तो ये तो पूरा मतलब यहाँ पर तो पानी भर गया है, पता नहीं अभी इसको धो के लिए अच्छे से, अभी आप देख सकते हो जैसे, पता नहीं अभी पानी, देखते चालू करने का रिस्क ले ना ले। एक मिनट, बैटरी गई होगी, हाँ बैटरी गई है, बैटरी तो नहीं है, बैटरी में पूरा पानी चले गया रहेगा। तो गाइज आज है नया दिन, बहुत सारी चीज़ें हुई आपने देख ली, अभी आगे की स्टोरी क्या है आई नो आप जानना चाहते हो। मैंने कल ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग हुआ था। आप सोचोगे ये अभी घर भी कौन सा है, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है पहले मेरे को कुर्सी लेके बैठना चाहिए और आराम से बात करते हैं फिर। तो सबसे पहली बात तो अपना एक्टिव आपने देख लिया, जैसे ही पानी भर गया था मेरे फर्स्ट इंप्रेशन देख के मैंने उसको धो दिया, मतलब जो भी बकेट में पानी लेके जो फर्स्ट एंड नॉर्मल वॉशिंग होती है वो कर ली, क्योंकि बहुत मिट्टी जम गई थी, वो वाले शॉट्स आपने देख लिए। उसके बाद शाम को मैं उसको गैराज में लेके गया, तो गाइस गैराज तो जैम पैक था ऑब्वियसली। गाइस पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स की गाड़ियाँ जो जो मतलब पानी में डूब गई थी वो वहाँ पर ही आई थी रिपेयर होने को। गैराज वाला अच्छा था क्योंकि लाइक उसका
हमेशा का काम है, क्योंकि हर साल वहाँ पे पानी भरता है, तो एवरी ईयर वो सेम गैराज वाला है तो वही ठीक करता है। तो वहाँ पे ही मैं भी गाड़ी लेके गया था, गाड़ी तो गाइज ठीक कर ली, मोड़ थोड़ा ऑफ था, फिर भी वहाँ पे थोड़े बहुत शॉट्स लिए ठीक करने के। जैसा है ना गाइज, पहले से ही जो बाइक हो या मान लो एक्टिवा हो, उसको मेरे को अच्छा मेंटेन चमका के रखना ही पसंद है, और अचानक से ये वाले सारे सीन हो जाए तो फिर समझ सकते हो आप। ठीक है, तो फिर आपको बताता हूँ कितना खर्चा है गाड़ी में, क्योंकि आपको भी अपडेटेड रखना इम्पोर्टेंट है। पहला तो अगर देखे तो इंजन ऑयल चेंज करना पड़ा, क्योंकि पूरे इंजन ऑयल में पानी चले गया था, वो वाला एक खर्चा इंजन ऑयल का। एंड नेक्स्ट वॉज लाइक पेट्रोल में पानी भर गया था, वो पूरा पानी निकालने का खर्चा एक मेरे को पड़ा। स्पार्क प्लग भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको थोड़ा साफ कर लिया, वो ठीक हो गया। एंड पूरा इंजन वगैरह भी जो है वो पूरी तरह से साफ कर लिया। आगे देखे तो हेडलाइट में वगैरह पानी गया भर गया था, तो वो पानी निकाला। अपना एक्टिवा का आपने देखा होगा, पूरा डिजिटल कंसोल है मेरा, तो पानी निकालना ज़रूरी था, जल्द से जल्द वो भी पानी निकाल दिया। तो एज ऑफ नाउ जो खर्चा हुआ है वो अराउंड 1000 रुपीज़ का हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें भी पूरा काम नहीं हुआ है। जैसे पहला मैं बोलता हूँ कौन सा वाला काम रुका हुआ है, जो अपना डिजिटल मीटर जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी चल नहीं रहा है, तो उसका भी बैटरी मेरे को चेक करवाना पड़ेगा कि बैटरी खराब हुई है या कोई कनेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो गया पानी जाने की वजह से। अभी बैटरी तो गाइज वारंटी में है, बट पानी जाने के बाद वो वारंटी में कवर होता है या नहीं होता है वो सब मेरे को नहीं पता, वो वहाँ जाके पता चल जाएगा मेरे को, वो अब तक मैं गया नहीं हूँ। तो वो एक खर्चा है, और दूसरा गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, इंटरनली सब मिट्टी विट्टी कहीं कहीं जाके बैठी है, वो वॉशिंग करना है, तो ठीक है वो एक कर लेंगे। एंड तीसरी चीज़ बोले तो ये जो इंजन ऑयल है, सिंस वो पूरे सिस्टम में गाड़ी के यहाँ वहाँ पानी घुस गया था, तो ये इंजन ऑयल कुछ 15 दिन यूज़ करने बोला है, और 15 दिन बाद फिर से चेंज करने बोला, जब वो पूरा पानी थ्रेश आउट कर देगा। जो किक भी है ना गाड़ी का, बहुत जाम हो गया था, तो वो भी पूरा खोल के उसको भी क्लीनिंग वीनिंग करके ऑयलिंग कर दिया है। तो ये था गाड़ी का अपडेट, जो कि मेरे को ऐसा लगता है मेजरली देना चाहिए, क्योंकि उस वजह से अपने चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि अपन उसको लेकर ही राइड वाइड्स पे जा रहे हैं। इसीलिए पर्सनल अपडेट अगर मैं बोलूँ तो ये मैं हूँ मेरे मॉम डैड के घर पे, तो आना ज़रूरी हो गया था, आपने देखा इतना पानी भर गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल नहीं थी वो दिन, भरने वाले दिन एंड उसके लाइक एक दिन पहले रात से लाइट ही नहीं थी, तो डिवाइसेस को चार्ज करना तो इम्पोर्टेंट था। इसके पहले के पहले वाला ब्लॉग जो भिलवली डैम वाला जो व्लॉग है, एडिट करके हो गया था लेकिन पेंडिंग था, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था, लाइट नहीं थी तो इंटरनेट भी नहीं था, तो वो भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपलोड कर दिया, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर जाके देखना, लिंक या आई बटन में होगा। वाटर सप्लाई भी नहीं था, तो नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस भी था, तो ऑफिस को भी छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं ले सकते इन अ सेंस लाइक, हाँ नुकसान हुआ था लेकिन इतना नहीं कि घर पे पानी आ गया था, ऑफिस तो कर सकते थे, तो लैपटॉप वैपटॉप सब लेके इधर मॉम डैड के घर पे आए, सब डिवाइसेस वगैरह चार्ज करके ऑफिस ऑफिस कर लिया। जैसे आप देख रहे हो एक्टिवा कम्प्लीटली भीग रही है, और बैटरी का जो मैं बोल रहा था वो तो मैंने अभी तक ठीक किया नहीं है, बारिश जो जोरों की चल रही है, थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही राइड करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या है करके, एंड होप्स हो कि वो अपने आप ठीक हो जाए। अपने आप ठीक हो गया तो सही बात ही है। इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, फॉर व्हाट्स एवर रीज़न आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना आपके थॉट्स इस ब्लॉग के बारे में। और लास्ट दो ब्लॉक स्ट्रगल था गाइस, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, पीसी नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू शूट ए ब्लॉग। तो आप बताना आपको कैसा लगा, एंड टिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।